महाराज जी महाराज जी आराम इधर घूम जाएंगे जी। अरे आराम से ले लीजिए सर, आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ पीछे चलते, पीछे आओ। आप लोगों के लिए अनजान हो लेकिन एक काफी हाँ बता दीजिए, कोई नहीं बता दीजिए। और ये श्री ओमपुरी जी के भतीजे हैं जो मथुरा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने आज आए हैं। क्या नाम है आपका? श्री जितेंद्र। आप नामांकन क्या फिर बैठ इंटरव्यू करते हैं? आप नामांकन करके ओमपुरी राजपुरी ओमपुरी अमरसपुरी जी के भतीजे हैं ये। लौट के आ रहे हैं। अरे तो छाव में है तो सही यार। ये प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करने आ जाए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र आप नामांकन क्या फिर बैठ इंटरव्यू करते हैं? अच्छा गौरव क्या कर रहा है? अरे यार गौरव भाई आई चलने दो, बाय कर ले क्या? ना भी ना कुछ काम रहेगा, लौट के आएंगे। अभी कोई पुरानी बैकग्राउंड है राजनीति पॉलिटिक्स में? नहीं लड़े हैं। नहीं आपको कैसे विचार आया? सेवा की भावना बस। अभी तक किस प्रोफेशन से हैं? मैं होटलियर से हूँ, मैं प्रोफेशन से मैं शेफ हूँ। क्या बढ़िया बनाते हैं? क्या बढ़िया बनाते हैं? क्या बढ़िया बनाते हैं? नॉर्थ इंडियन फूड सारा अच्छा बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ऊपर वाला साथ दे देता तो अच्छा काम कर लेते। उस क्षेत्र में अच्छा काम किया तो इस क्षेत्र में ऊपर वाला साथ देता है। ठीक है ना, बानेर में 11 दी हवेली के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है। जितेंद्र वेद प्रकाश पुरी, निकनेम बॉबी के नाम से जानते हैं लोग। यारा जी बॉबी के नाम से रेस्टोरेंट है मेरा बानेर। तो ये तो आपसे मुलाकात हो रही जाएगी 100%। एक मिनट इधर देखिए, फोटो लेना को बढ़िया था।